153वां सर्ग व्याघ्र के आगमन आदि के उक्ति से मुनि में व्याघ्रत गुरुता का समर्थन तथा समय पर विवेक से सर्वात्मक रूप विज्ञान का वर्णन। अन्य मुनि ने कहा, मुनिवर, हम लोग उस वन में चिरकाल तक तप करते रहेंगे, तब मृगों का पीछा करने से थका हुआ व्याघ्र आएगा, उसे आप स्वतः स्वभावतः पवित्र विविध कथाओं द्वारा उपदेश देंगे। वह विरक्त होकर उसी वन में तपस्या करेगा। तपस्वियों की चर्चाओं के अभ्यास से समदम आदि साधन संपत्ति के बाद वह व्याघ्र आत्मज्ञान जानने की इच्छा से आत्मज्ञान की भूमिका के रूप से स्वप्न जिज्ञासु होकर स्वप्न कथा पूछेगा। उसके पश्चात आप स्वप्न के प्रसंग से उसके लिए अखंड आत्मज्ञान का उपदेश देंगे, उसे ग्रहण कर वह योग्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप उसके गुरु होंगे। इस कारण है मुनिवर, मैंने आपको व्याघ्र गुरु इस संबोधन से पुकारा है। जिस प्रकार ये संसार भ्रम है, जैसा मैं यहाँ पर हूँ और जैसे आप यहाँ पर है एवं जो आगे आपका होने वाला है, वह सब मैंने आपसे कहा। इस प्रकार कहने पर विस्मय से व्याकुल हुई बुद्धि से इस दृश्य जगत का विचार कर मैं और भी आश्चर्य को प्राप्त हुआ। उसके बाद रात्रि खुलने पर प्रातःकाल के समय उस मुनि महाराज का मैंने ऐसा आदर सत्कार किया कि जिससे वे मेरे घर पर ही रह गए। उसके बाद तो उस अरण्य स्थित घर में और पूर्व जन्म के बाद उस गांव के घर में परस्पर प्रचुर प्रीति वाले स्थिर बुद्धि संपन्न हम दोनों रहे। तदनंतर ऋतु वर्ष आदि ऋतु काल के बीतने पर जैसे पर्वत वनाग्नि वृष्टि आदि का ग्रहण और त्याग करता है, वैसे ही मैं भी अनिष्ट इष्ट और इष्ट अनिष्ट मिश्रित भावों का ग्रहण और त्याग करता हुआ स्थित हूँ। न तो मैं मरण की इच्छा करता हूँ और न जीवन की अभिलाषा करता हूँ। जैसे स्थित हूँ वैसे ही बिना संताप के रहता हूँ। तदुपरांत मैंने वहाँ पर दृश्य मंडल के विषय में विचार किया। ये क्या है, क्या इसका कारण है और ये आत्मा इसको चित्त से क्या जानता है एकमात्र चिदाकाश स्वरूप स्वप्न दृश्य स्वप्न सदस्य जगत में ये पदार्थ संघात क्या है और क्या इसका निमित्त कारण है। चिदेक घन स्वभाव में स्थित चिन्मात्र आकाश रूप ही ये धूलोक पृथ्वी वायु आकाश विविध पर्वत अनेक नदियां विदिशाएं सबके सब विकास को प्राप्त है। चित्त रूपी चंद्रिका चारों ओर जिस अवभास मतलब प्रकाश का विस्तार करती है वह ये जगत रूप चित्र जो कि स्थूल न होने के कारण प्रतिघात के योग्य स्वभाव वाला नहीं है आकाश में भाषित होता है। यदि कोई कहे कि पर्वत आदि स्थूल होने से प्रतिघात से योग्य है, वे अप्रतिघात स्वभाव कैसे होंगे। इस पर कहते हैं, न ये पर्वत है, न भूमि है, न आकाश है, न मैं ही हूँ। ये सब केवल चिन्मात्र आकाश के स्फुरण का भान है। यदि ये चिन्मात्र कचन स्फुरण ही है तो इस पदार्थ राशि का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसके शरीर ग्रहण और उसके हेतु अप्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। इस पदार्थ राशि का शरीर ग्रहण में क्या कारण हो सकता है। कारण के बिना किसी वस्तु का संभव हो सकता है, तब ये भ्रांति ही हो। ऐसी आशंका कर भ्रांति पक्ष में भी निमित्त दृष्टा आदि का निरूपण संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। यदि इसको केवल भ्रांति ही मानो तो भ्रांति का क्या कारण है। उस भ्रांति का कौन दृष्टा है, कौन मनन करने वाला है, वह कैसा है और कहाँ है, वह कैसा है और कहाँ है। सम्मिन मात्र रूप में जिसके शरीर में प्रविष्ट होकर दृश्यवर्ती ओज में रहा वह प्राणी मेरे शरीर के साथ ही पूर्णतया भस्म हो गया, इसलिए उसका शरीर मेरा शरीर आदि का अस्तित्व न होने के कारण ये सब आदि अंत शून्य चित्त की आभा रूप आकाशी है। कर्ता कर्म और करण से विहीन कर्म शून्य ये चिदघन ही है। ये घट वस्त्र दीवार आदि सब चिदाकाश का स्फुरण है। अतः घट पट आदि स्पष्ट आकार
स्पष्ट आकार धारण करने वाले यहाँ कहाँ से हो सकते हैं? ये चिन्मात्र का स्फुरण है, ये बुद्धि भी राहु का सिर है। इस कथन के समान केवल विकल्प मात्र ही है, क्योंकि ये षष्ठी ही तत्पुरुष समास के प्रयोजक भेद और संबंध की प्रसिद्धि नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं यह चिन्मात्र का स्फुरण भी नहीं है, केवल चिन्मात्र आकाश है। उसका स्फुरण क्या और कैसा? क्या आकाश का भी स्फुरण होता है? भला इसका स्फुरण कैसे होगा? ये जगत समुद्र के फैन की तरह चिद्रूप सागर का फैन है, इसका नवीन स्फुरण क्या होगा? ये अनंत चिदघन परमात्मा स्फुरण स्वभाव वाला ही स्थित है। शुद्ध चिन्मात्र स्फुरण वृद्धि को प्राप्त चिदघन ब्रह्म ही इस जगत के समान अवभासित होता है। ऐसी अवस्था में कहाँ दृश्य है और कहाँ दृष्टा है? कालतः आदि अंत से शून्य असीम, देशतः आदि मध्यहीन, वस्तुतः एक अद्वितीय, अतः एवं कारण रहित, कार्य रहित और कार्य कारण के अधीन, प्राणियों से रहित, स्वतः सत्ता प्रधान, स्वसत्ता से ही भुवन आदि की सत्ता का निर्वाह करने के कारण नाना नाना रूप सा वाणी और मन का अगोचर जो विभू चेतन है, वही सब कुछ है। उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है। 153वां सर्ग समाप्त। 54वां सर्ग। मुनि द्वारा विचार से उत्पन्न अपने जीवन मुक्त स्थिति तथा अभ्यासहीन व्याघ्र की परम पद में अवर स्थिति का वर्णन। मुनि जी अपने विचार की फलभूत जीवन मुक्त स्थिति का विस्तार से वर्णन करते हैं। मुनि ने कहा, व्याघ्र इस प्रकार निर्णय करके मैं इस दृश्य में संताप रहित, वीतराग आसक्ति रहित, शंका रहित, अहंकार रहित, निर्वाण मुक्त स्वरूप स्थित हूँ। अद्वैत होने के कारण न मेरा कोई आधार है और न मैं ही किसी का आधार हूँ। अभिमान रहित, आश्रय विहीन, निज चित्त स्वभाव में स्थित, स्वयं शांत, सर्वदा उदित, सृष्टि रूप में स्थित हूँ। व्यवहार प्रथा प्राप्त कृत्य का करता हूँ, किंतु यथार्थ कभी भी करता नहीं हूँ, क्योंकि जो स्वयं ही निष्क्रिय आकाश है उसका कर्तृत्व कैसा? दुर्लभ पृथ्वी वायु आकाश विविध पर्वत नदियाँ दिशाएं आदि सकल भूत सब जीवों के एकमात्र चित्त स्वरूप सत्य चिदाकाश ही है। हे व्याघ्र, मैं शांत हूँ, चारों ओर से आनंद सागर में मग्न हूँ, सुख मग्न हूँ, आनंद सागर में मग्न हूँ, दुख संपर्क शून्य, केवल आत्मसुख में स्थित हूँ। न मेरे लिए कोई विधि है और न निषेधी है, न मेरे लिए कुछ बाह्य है और न कुछ आंतरिक है। हे व्याघ्र, इस प्रकार जैसी स्थिति है उसके अनुकूल यहाँ पर स्थित हुए मेरे सामने आज काकतालीय के समान तुम प्राप्त हुए हो। इस प्रकार मेरे पास प्राप्त होकर मुझसे पूछ रहे हो, रहे तुमने जैसा स्वप्न है, जैसे हम लोग हैं, जैसा जगत है, जैसा तुम हो, जैसा ये दृश्य है, जैसे तुम इस प्रपंच के दृष्टा हो, जैसा ये देह है, इंद्रिय आदि आध्यात्मिक अभ्यांतरिक दृश्य है, जैसा ये सामने दिखाई दे रहा है भौतिक दृश्य है, उनमें जैसे राग द्वेष त्याग ग्रहण आदि भाव है, जैसा ब्रह्म है और जैसी ये सामने दृश्यमान जनता है, ये सब पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार मैं कह चुका हूँ। हे बुद्धक लुब्धक, इन सबको मिथ्या जानकर तुम शांत हो जाओगे होंगे, क्योंकि ये चिदाकाश रूपिणी आत्मसत्ता शांति है, अशांत नहीं है, अथवा आत्यंतिक दृश्य शांति ही आत्मशांति है। स्पष्ट रीति से प्रतीत हो रहे मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, पर्वत, पेड़ आदि की स्वप्न तुल्यता अत्यंत असंभव है, इस बात को व्यंग से सूचित करता हुआ बुद्धक कहलाता है, लुब्धक कहलाता है। व्याघ्र ने कहा, है मुनि जी, यदि ऐसी बात है तो मैं आप और सब देवता आपस में स्वप्न पुरुष होने से
स्वप्न पुरुष होने से सत्य होते हुए भी असत्यम हो जाएंगे। मुनि जी ने कहा, व्याघ्र जैसा तुम कहते हो वैसा ही ये सब परस्पर स्वप्न के समान स्थित है। ये अपने में सत्य तथा अन्य लोगों में असत प्रतीत होता है, क्योंकि वैसा ही इसका सबको अनुभव होता है। दृश्य को जिसने जैसा जाना वैसा वह उसका अनुभव करता है। दृश्य वस्तु नाना है और एक भी है। जैसे गड़ा नाना कपाली का आदि उनकी अवयव परंपरा से परमाणु पर्यंत नाना वस्तु रूप और एकत्व की प्रतीति से एक वस्तु रूप भी है और नानत्व भेद दर्शी है, उसके लिए ये दोनों में से एकत्व असत है। और जो एकत्व दर्शी है उनमें उनके लिए नानात्मक असत है। भेदाभेद राशियों के लिए दोनों विकल्प से सत और दोनों असत है। तत्वज्ञानियों के लिए तो जागृत में स्वप्न नगर के सदस्य तथा पहले कभी दृष्टिगोचर न हुए दूर देशस्थ दृश्यमान नगर के तुल्य वेदन मात्र होने के कारण एक भी नहीं है, ऐसा अनुभव से सिद्ध है। अतः एवं ये न एक है, न सत है, न असत है और न सत असत है। हे व्याघ्र, इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया। निरंतर सदुपदेशों से तुम्हें बोधित किया है। तुम भी स्वयं ज्ञानवान हो, सब कुछ जानते हो, इसलिए जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। व्याघ्र, प्रकृष्ट बोध वाले, यद्यपि इस प्रकार तुम पूर्ण रूप से बोधित हुए हो तथापि तुम्हारी बुद्धि स्वाभिमत जगत सत्यत्व ब्रह्म में ही विश्राम को प्राप्त हुई है, परम पद में क्षण भर भी विश्राम को प्राप्त नहीं हुई। ये बोध अभ्यास द्वारा अत्यंत परिपक्व हुए बिना हृदय के अंदर वैसे ही प्रविष्ट नहीं होता, जैसे कि जलधारा कार्य के निमित्त छिलने तरासने आदि से निर्मित कमंडलों के आकार में परिणित हुए बिना काट के अंदर जल नहीं प्रविष्ट होता। अभ्यास से बोध की चरम विश्रांति सिद्ध होने पर चित्त को ही परम विश्रांति का अनुभव रखने वाले पुरुष निर्वाण कहते हैं। एकमात्र गुरु और शास्त्र के सेवन रूप अभ्यास से बोध के परम पद में विश्रांत होने पर द्वैत और अद्वैत द्रुतियों की शांति होने पर चित्त निर्वाण कहलाता है। अपने द्वारा उक्त अर्थ में भगवत वचन की सम्मति दिखला रहे हैं। अंदर अभिमान और मोह से रहित और बाह्य संगदों पर विजय पाए हुए अंदर और बाहर नित्य आत्मा में लीन चार और आनंद रूप आत्मा का पूर्ण ज्ञान होने से सकल कामनाओं से भिन्न तथा प्रिय पितृ अप्रिय आदि द्वंद्वों से जिनसे सुख दुख का भलीभांति ज्ञान होता है सर्वथा निर्मुक्त तत्वज्ञानी लोग विष्णु भगवान के निर्वाण नामक परम पद को प्राप्त होते हैं। 154वां स्वर्ग समाप्त।